इधर पूरा नट खोल के लेके चला गया है ये भाई। रेलवे को क्या लूटेगा साला, अपना ही देश को लूट रहा है। हमारा विकसित बिहार का विकसित हालात। जोर लगा के पूरा हाफ फर्स्ट हाफ रेडी हो चुका है। इसको बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी। सेंटर में ही आपका पटरी बिछाया जाएगा, ट्रैक भी गिरा हुआ है आपका, तो काम पूरा झटपट सटपट में लिया जा रहा है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग में हम लोग पहुंच चुके हैं अररिया के लिए रेल लाइन का ब्रिज वाला अपडेट देने के लिए, और अभी हम लोग कोसी नहर के ऊपर बन रहा है ब्रिज का अपडेट देने जा रहे हैं गाइस। और इसके साथ में अगल बगल का सारा ब्रिज का अपडेट देंगे हम लोग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रिज हाफ ब्रिज बन के पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है। उस पाया से एक बार और जोड़ना है उस साइड के लिए। तो गाइस, इस साइड में इतना ही है, अभी चलते हैं हम लोग दूसरा साइड से भी आपको दिखाते हैं। और गाइस, इसी पुला से हम लोग को दूसरे साइड जाना है। यहाँ पे तीन तीन ट्रक लगा हुआ पार करने के लिए, और ये पहला ट्रक जो है कि बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन बेचारा इधर से इधर नहीं आ रहा है। ये पुला बहुत पुराना है, हो सकता है ये ट्रक चढ़े और पुला टूट जाए, तो एक नया पुला का उद्घाटन किया जाएगा फिर से। जोर लगा के आपका पुला में हाफ पुला रेडी हो चुका है। सेकेंड हाफ के लिए कंप्लीट किया जा रहा है बीम्स वगैरह को, और बहुत खतरा वाला खेल एक काम है ये भाई। इसका डस्ट यदि गया हार्ट में, सॉरी फेफड़ा में, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। देखिए कितना डस्ट उड़ रहा है। एक्चुअली में गाइस, हम लोग जा रहे थे लक्ष्मीपुर, लेकिन लक्ष्मीपुर जाने के क्रम में ब्रिज देखने के बाद ऐसा लगा कि ब्रिज में थोड़ा काम हो गया है, तो एक बार अपडेट दे देते हैं हम लोग को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लक्ष्मीपुर चलेंगे। पिछला वीडियो यदि आप देखिएगा तो ये आपको नहीं खड़ा दिखेगा, ये जो है आपका बीम्स वगैरह सब पूरा हाफ फर्स्ट हाफ रेडी हो चुका है। सेकेंड हाफ के लिए काम उधर सेटरिंग लगाया जा रहा है, और इसको फिनिश करने के बाद ही उधर बीम सब चढ़ाया जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डे में ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका और 20 से 30 डे में हम लोग इसका अपडेट देंगे जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और इसके ऊपर हम लोग चढ़ के अपडेट देने वाले हैं गाइज। फिलहाल इस ब्रिज को देखिए, जो कि कोसी नहर के ऊपर से बन रहा ब्रिज का नज़ारा। भैया सब देखिए कितना दूर है यहाँ से, ऐसा लग रहा है आसमान में ही घुस गया है भाई ये लोग। ये इसको बोलते हैं खतरों का खिलाड़ी। नो सेफ्टी, नो कुछ नहीं, मज़ा ले रहा सब कोई ऊपर से। हम लोग यदि इतना ऊपर खड़ा रहेंगे तो नीचे देखने के बाद गिर जाएंगे हम लोग, काहे हम लोग डरपोक हैं, लेकिन डरते नहीं हैं किसी से। इधर मशीन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि उधर भी बीम्स उठा के लगाया जाएगा। ये क्रेंक आ चुका है, थोड़ा सा वेट करेंगे आधा घंटा, यदि उठाता है तो उसका भी एक शॉर्ट्स जरूर दिखाएंगे आपको। अदरवाइज ये ब्रिज कंप्लीट होने के बाद फाइनल वीडियो एक बार आपको देंगे, कोसी नहर पे बना हुआ ब्रिज ऊपर नीचे करके। और हो सकता है इस महीना का लास्ट तक में हम लोग ड्रोन तो एकदम खरीद रहे हैं, 24 से 26 के बीच में ड्रोन शॉट भी मिलेगा आपको। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दबा के गाइस। और गाइस, यहाँ से हम लोग अररिया गलगलिया रेल लाइन के ऊपर चढ़ रहे हैं, और हम लोग बाय अररिया गलगलिया रेल लाइन होते हुए कुछ दूर तक आगे निकलेंगे। यहाँ से देखते हैं कितना ब्रिज कवर कर सकते हैं आगे। अभी हम लोग गलगलिया की ओर जा रहे हैं, रहमतपुर के बाद इधर आपका बांसवाड़ी स्टेशन है, उसके बाद खवासपुर है, लक्ष्मीपुर है, वर्धा है, वगैरह वगैरह सब है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लक्ष्मीपुर अपडेट देने वाले हैं गाइस, इसलिए चैनल को दबा के सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। और गाइस, ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये भी लगभग में रेडी हो चुका है आपका पटरी बिछाने के लिए। इस पर स्लीपर वगैरह सब बिछाया जाएगा कुछ दिन में। ये देख रहे हैं फट्ठी उट्ठी सब, मतलब कि बांस का आपका चिन्हा होना दिया हुआ है। यह आपका सेंटर हो गया, दोनों साइड हो गया, सेंटर में ही आपका पटरी बिछाया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कौन सा नदी नहर पे भाई ये पुला बनाया गया है। यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि एक छोटी नदी सा बनी हुई है, नहर तो नहीं है। और बड़ी मस्त का जिंदगी जी रहा होगा जो ये नदी किनारे बसा होगा। और इधर देखिएगा, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी देखने के बाद ही पता चल रहा है कि इसमें मछली का भरमार होगा यार। और गाइस, अभी हम लोग
कोसी नहर से लगभग 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद ये पुला मीना है। ये छोटा सा नदी जैसा ही बना हुआ है, नहर नहीं है, ये छोटा सा नदी देख रहे हैं। ये बड़ा बड़ा पेड़ जहाँ जहाँ दिख रहा है उधर से ही नदी घूम के आई है, और ये नदी इधर से जाके परवान में मिल जाती है। और इस पुला में अभी भी काम बचा हुआ है गाइज, क्योंकि इस साइड आपका पत्थर नहीं लगाया गया है मिट्टी को होल्ड करने के लिए, उधर लगाया गया है पत्थर, और पत्थर के ऊपर जाली भी लगाया जाता है जो कि अभी नहीं हुआ है। मतलब देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है इस पुला में अभी भी 30% काम बाकी है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इधर आप देख सकते हैं मिट्टी का थोड़ा मरम्मतीकरण किया गया है, क्योंकि मिट्टी बारिश के कारण थोड़ा नीचे चला गया था। और आइए दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि मिट्टी को होल्ड डाउन करने के लिए कैसा व्यवस्था किया जाता है। यहाँ से फोकस मारिए, जो पत्थर आपको लगाया गया है इसके ऊपर देख सकते हैं आप जाली टाइप का, तार का जाली टाइप का, मतलब पतला वाला रड का बनाया गया है, ताकि भाई अपना मिट्टी सेफ रहे। मिट्टी होल्ड नहीं होगा तो पूरा रेलवे लाइन नदी में घुस जाएगा क्या भैया? और नीचे एक बार भैया को शूट कीजिए मज़ा मारते हुए, क्या नट। और गाइस अभी हम लोग ये सेकंड वाला ब्रिज के नीचे आ गए हैं, और भैया इसे पता चला है कि नीचे कोई इसका नट बोल्ट जो है कि वो खोल लिया गया है। अभी हम लोग वेरिफिकेशन के, सच में यार बहुत सारा नट खुला गया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं इस सब में बड़ा बड़ा भल्टू लगा हुआ था, उधर तो ऊपर लगा हुआ है, इधर पूरा नट खोल के लेके चला गया है। ये भाई ये रेलवे को क्या लूटेगा साला, अपना ही देश को लूट रहा है। इधर भी नट खोला, देखिए ऊपर से भी एक नट खोल लिया है कोई, ऐसा ही ट्रेन एक्सीडेंट होता है साला, सब इतना भिखारी हो गया है। और गाइस यहाँ फोकस कीजिए, ऐसा लग रहा होगा आपको कि इसमें नट ही नहीं होगा। ये लास्ट वाला में देखिए एक नट भाल्टू लगा हुआ है, उसको नहीं खोल पाया इसलिए क्योंकि उसमें सीमेंट थोड़ा जाम कर दिया है, और इधर जितना भी आसान था सारा नट बोल्ट को खोल लिया गया है। और गाइस इस पे फोकस कीजिए, इसमें भी नहीं है, ऊपर से भी खोल लिया है। अब ये चोर को कैसे रोका जाए, ताजा ही खोला है उसको। रेलवे डिपार्टमेंट से भाई रिक्वेस्ट है कि फिर से पुला को वेरिफिकेशन कीजिए, जितना भी बना हुआ है नट बाल्ट सब खोल लिया है चोर, थोड़ा इसका कुछ अलग व्यवस्था किया जाए कि नट बाल्टू को ना खोल पाए, डायरेक्ट सील पैक किया जाए इसको। अभी गाइज आप देख लिए हैं हमारा विकसित बिहार का विकसित हालात और विकसित लोग, पुला का नट बोल्ट खोल के ले जा रहा है, ये साला पूरा गजेड़ी सबका काम है, जो गाजा और क्या पीता है गे? अरे कुछ नहीं होता है क्या, स्मैक स्मैक पीने वाला सबका, हाँ ये सब पीने वाला का काम है, वही सब चोरी करता है। पूरा नट बोल्ट खोल के लेके चला गया नीचे का। तो गाइज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, दबा के पहुँचाइए रेलवे डिपार्टमेंट तक, ये चोर कौन है साला को पकड़ा जाए, घर में घुस के पीटा जाए। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्रिज पे। और गाइज कोसी नहर से लगभग में 2-2.5 किलोमीटर आने के बाद इधर देख सकते हैं रेलवे ट्रैक भी गिरा हुआ है आपका, और नीचे देखिए उधर आपका स्लीपर गिरा हुआ जो कि पानी में थोड़ा इधर उधर तितर बितर हो गया है। उधर ट्रक ये सब जो ट्रक आप देख रहे हैं, सारा ट्रक का काम है कि रेलवे लाइन पे रोड़ी को गिराना, और रोड़ी लगभग में गिर भी गया है। जस्ट ये रोड़ी गिरने के बाद आपका रेलवे लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगा, रोड़ी गिरेगा उसके बाद स्लीपर लगेगा उसके बाद ट्रैक बिछाया जाएगा, तो काम पूरा झटपट सटपट में लिया जा रहा है। और गाइस अभी हम लोग थर्ड नंबर पुला पे हैं, यहाँ पे आपका स्टेयर ढाला जा रहा है, ढाला जा रहा है कि कुछ किया जा रहा है इस पर, और फोकस इसी पे थोड़ा सा छेदा होता था उसी को भरा जा रहा है, स्टेयर तो ऑलरेडी रेडी हो चुका है। गाइस थर्ड नंबर ब्रिज को शूट करने के बाद थोड़ा और आगे हम लोग बांसवाड़ी की ओर निकल चुके हैं, बाय अररिया गलगलिया रेल लाइन होते हुए। और गाइस जानकारी के लिए आपको बता दें, ये लाइन जाके डायरेक्ट आपका गलगलिया में नहीं मिला, ये ठाकुरगंज में मिला है, ऐसा मतलब कि वहाँ का व्यूवर से हमको पता चला है, तो इसका भी हम लोग क्लियरिफिकेशन के लिए ठाकुरगंज पहुँचेगा और बताएगा कि ये लाइन एक्चुअल में कहाँ जाके अटैच हुआ है। ऐसे तो हम लोग गलगलिया से आ चुके हैं, गलगलिया में डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ, और गलगलिया इतना बड़ा स्टेशन भी नहीं है। तो गाइस ये हो गया आपका फोर्थ नंबर का ब्रिज, वैसा ही सेम बना हुआ जैसा कि पीछे आप लोग देख चुके हैं, तो यहाँ हमको गाड़ी रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर आपका रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ है, उधर भी आपका रेलवे ट्रैक पड़ा हुआ है, और इस पर हल्का मात्रा में गिट्टी दिया गया है, और इसके ऊपर आपका बड़ा बड़ा रोड़ा पीछे आप देख चुके हैं वो गिराया जाएगा, उसके बाद आपका स्लीपर लगा जाएगा। मुझे सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये धान उन कटने के बाद ही आपका स्लीपर वगैरह सब लगेगा, और हो सकता है पहले भी लगे, क्योंकि आगे यहाँ से हमें नज़र आ रही है रेलवे लाइन का स्लीपर। चलिए वहाँ स्लीपर तक जाते हैं, आपको एक बार दिखाते हैं स्लीपर का
क्या स्थिति है? अररिया कोसी नहर से होके समदा आ चुके हैं और यहाँ से आपका बहुत नज़दीक है बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ देख सकते हैं बहुत मात्रा में आपका स्लीपर दोनों साइड गिरा हुआ है। स्लीपर जहाँ गिरने का व्यवस्था है, जहाँ तक ट्रक आ सकती है स्लीपर को वहीं रखा गया है। यहाँ पे फिर छोटा ट्रक से स्लीपर को इधर से उधर पार्सल किया जाएगा। बातचीत करते करते गाइस घुस चुके हैं बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन और यहाँ तो हम लोग स्टेशन को कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो अपलोडेड है। आप लोग जाइए मेरा चैनल पे, बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन का वीडियो देखिए। और गाइस ब्रिज वाला अपडेट देते देते रहमतपुर के बीच से लेके हम लोग अभी पहुँच चुके हैं आपका बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास। इसके बीच में लगभग में 5 ब्रिज हम लोग कवर किया है। इधर आप देख सकते हैं ये मिट्टी वाला जो काम हो रहा है, गिट्टी सब गिरा हुआ है, यही आपका बांसवाड़ी रेलवे स्टेशन है। और इसका लेटेस्ट वीडियो जैसे कि हम लोग बता चुके हैं कि भाई अपलोडेड है, आप लोग जाइए देखिए। और बिल्डिंग कम्प्लीट होने के बाद फिर हम लोग इसका अपडेट देंगे। इसी के साथ आज का ब्लॉगिंग वाला वीडियो, मतलब अररिया गलगलिया रेल लाइन का बीच में जो बन रहा है आपका ब्रिज, उसका अपडेट वाला वीडियो को समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दवा के रघुनंदन ब्लॉग्स को आपका बहुत सपोर्ट का ज़रूरत है गाइज़।